दांत के दर्द के लिए एक्यूप्रेशर उपचार। दांत के दर्द के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि एक्यूप्रेशर का उपचार दांत के दर्द को कम करता है, किंतु यदि दांत सड़ गया है या अन्य किसी विकार से दर्द हो तो उसका उपचार एक्यूप्रेशर नहीं करता है। उपचार अवधि 2 से 4 मिनट प्रत्येक बिंदु पर दिन में 2-3 बार आवश्यकतानुसार। पहला, नथुनों के बाहरी भाग से 1 अंगुल आगे कपोल पर पुतलियों की सीध में अवस्थित बिंदु। दूसरा, चेहरे की साइड में कान से आगे गाल पर उभरी हुई अस्थि के नीचे कान से करीब 1 अंगुल आगे स्थित बिंदु। तीसरा, जबड़े को भींचने पर जबड़े के गाल के नीचे कठोर होने वाले हिस्से के मध्य स्थित बिंदु। चौथा, होठों के किनारों से 1 अंगुल बाहर कपोल के नीचे आने वाला बिंदु। पांचवा, हाथ के पृष्ठ भाग में अंगूठे व तर्जनी की बीच की मसल के मध्य अवस्थित बिंदु। छठा, हाथ को ऊपर की दिशा में समकोण मोड़ने पर कोहनी के भीतरी जोड़ से 2 अंगुल आगे भुजा पर स्थित बिंदु। सातवां, हथेली के निचले छोर के बाह्य किनारे पर प्रायः मणिबंध से 1/2 अंगुल नीचे छोटी अंगुली की सीध में आया हुआ बिंदु। आठवां, हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुली के नाखून के निचले बाएं कोने व मांस के जोड़ पर अवस्थित बिंदु। सिर के दर्द के लिए एक्यूप्रेशर उपचार। सिर के दर्द के लिए केवल सिर या दिमाग के रोग ही उत्तरदायी नहीं होते। नाक, कान, आँख के रोग, साइनस या ठंड की शिकायत, जुकाम आदि, दांत के रोग, उदर रोग, पीलिया, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन अथवा मानसिक तनाव आदि बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी बहुत गर्मी से आकर एकदम बर्फ का पानी तुरंत पी लेना भी सिर दर्द उत्पन्न करता है, परंतु कारण भले ही जो हो, एक्यूप्रेशर द्वारा सिर दर्द की पीड़ा का इलाज संभव है। पहला, चेहरे पर दोनों भवों के एन बीच में नाक व माथे के जोड़ से जरा ऊपर का बिंदु। दूसरा, कान के भीतरी भाग में क्रम से अवस्थित 5 बिंदु तथा कान के नीचे कान की बाहरी लौ की ओर सरका हुआ 1 बिंदु। तीसरा, भवों के अंतिम सिरों पर स्थित बिंदु। चौथा, इन्हीं बिंदुओं से प्राय आधा 1 अंगुल पर माथे की ढलान पर स्थित बिंदु। पांचवा, रीढ़ व कपाल के जोड़ पर स्थित बिंदु। छठा, इसी बिंदु से 2 अंगुल बाएं व दाएं अवस्थित बिंदु। सातवां, शोल्डर ब्लेड्स के भीतरी कोनों की सीध में रीढ़ की हड्डी के दाएं व बाएं अवस्थित बिंदु। आठवां, कलाई के ऊपर पंजे के जोर से 2 अंगुल नीचे तर्जनी की सीध में अवस्थित बिंदु। नौवां, हाथ के पृष्ठ भाग में अंगूठे व तर्जनी के मध्य की मांसपेशी के बीच में स्थित बिंदु। दसवां, घुटने की कटोरी के बाहर की ओर निचले सिरे के पास स्थित बिंदु। ग्यारहवां, इसी बिंदु से 3 अंगुल नीचे जरा सा पिंडली की ओर को सरका हुआ बिंदु। बारहवां, पैर के अंगूठे और तर्जनी के जोड़ के मध्य स्थित बिंदु। भारतीय संस्कृति में खड़ाऊं पहनने का जो प्रचलन था, उसके अन्य लाभों के अलावा एक लाभ यह भी था कि यह बिंदु खड़ाऊं के खूंटे से दबा रहता था। इनमें से प्रत्येक बिंदु पर आवश्यकतानुसार 2 से 4 मिनट तक दिन में 3-4 बार उपचार लिया जाता है। शीर्षासन को उचित ढंग से करने वाले व्यक्ति सिर दर्द की शिकायत व सिर के रोगों से दूर रहते हैं। मानसिक तनाव व शारीरिक थकान को श्वासन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। पेट का साफ रहना तथा पाचन तंत्र का ठीक रहना 90% रोगों का निवारण स्वयं कर डालता है, जो कि योगासनों का प्रधान गुण है। गले के दर्द के लिए एक्यूप्रेशर उपचार। गले के दर्द में दी बिंदुओं पर 2 से 3 बार 2 से 4 मिनट का उपचार 1 दिन में लें तथा गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर गरारे करें। पहला, कंठकूप, कॉलर बोनों के जोड़ों के ऊपर कंठ के प्रारंभ में पड़ने वाला गड्ढा में स्थित बिंदु तथा दूसरा, हाथ के अंगूठे के नाखून के दोनों निचले मोड़ों पर स्थित 2 बिंदु। इस प्रकार एक्यूप्रेशर उपचार द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की पीड़ा का निवारण बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रभावशाली ढंग से संभव है। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।